विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 21S हस्तसाल गांव में राष्ट्रीय सर्वप्रथम टीम ने जनता से बात की। इलाके के पार्षद अशोक सैनी और विधायक महेंद्र यादव हैं। पार्षद और विधायक के कार्यों से जनता कुछ हद तक असंतुष्ट दिखी। सांसद के बारे में जनता ने कहा कि पर्व त्योहार के मौके पर सांसद आते जरूर हैं, लेकिन कार्य नहीं किया गया। इलाके की नालियों की सफाई को लेकर जनता नाखुश दिखी। गलियों की सफाई और तोड़फोड़ के बाद की मरम्मत न होने को लेकर भी जनता परेशान दिखी। विधायक को लेकर जनता का कहना है कि विधायक मिलनसार हैं, लेकिन सड़क बनवाने जैसे कार्यों को लेकर विधायक को कार्य करने की जरूरत है और जहां मकान बने हैं वहां सड़क का स्तर अधिक ऊंचा कर दिया गया है। गाँव के तालाब का सौंदर्यकरण करने के वादे के बावजूद यह पूरा नहीं हुआ। गांव वासियों ने नेताओं पर गांव पर कम ध्यान देने और कॉलोनियों पर ज्यादा ध्यान का आरोप भी लगाया। जन प्रतिनिधियों को अपने इलाके की जनता की बात सुनने के अलावा जनता के सुझावों पर ध्यान देना होगा। अगर अपनी जिम्मेदारियों को विधायक और पार्षद पूरा नहीं करेंगे तो जनता चुनाव में अपनी जिम्मेदारी को अवश्य पूरा करेगी। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 21S हस्ताल गाँव में है। हम इसमें आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं, अब उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में उन्हीं से पूछते हैं। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव त्यागी है। गौरव जी, ये आपके निगम पार्षद कौन है? श्री अशोक सैनी जी। जी जी, उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप विकास के बारे में? कार्यकाल का तो सर ऐसा है कि काउंसलर के अंडर कोई बहुत ज़्यादा कार्य आते नहीं है। सफाई का, नाली का, रोड का यहाँ बुरा हाल है, नालियाँ भरी हुई हैं, सफाई कहने पर हो जाती है। और विधायक कौन है? श्री महेंद्र यादव जी। उनके विकास के बारे में क्या कहना है? सर, विकास के बारे में उनका ये कहना है कि जो विकास होना चाहिए एक्चुअल में जगह के हिसाब से, वो विकास नहीं हुआ है। बाकी जो मुख्यमंत्री की स्कीम या कोई वैसी स्कीम चलती है वो तो पूरी दिल्ली में एक ही जैसा काम होता है। स्पेशली गांव के रिक्वायरमेंट को देखते हुए कोई काम नहीं हुआ है खास। सांसद कौन है? श्री साहिब प्रवेश साहिब सिंह जी। उनके कभी दौरा किया है क्षेत्र में? काम को लेकर कभी नहीं, पर उनको जैसे कभी किसी शादी ब्याह में बुलाया जाता है या छठ पूजा कार्यक्रम बुलाया जाता है तब जरूर आते हैं, पर काम को लेकर उनके दौरे आज तक नहीं हुए। कुछ विशेष कुछ कहना चाहेंगे? विशेष सर यही है कि विकास कार्य जो क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से होने चाहिए, उन विकास कार्यों का आज तक किसी ने भी कोई काम नहीं किया उनके ऊपर। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र जी एस वार्ड के अंदर है हम इस समय हस्ताल गांव में। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं और उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? इकराम अब्बास। आपके क्षेत्र का जो पार्षद है उनका नाम क्या है? अशोक सैनी, आम आदमी पार्टी के। उनके जो है विकास के बारे में क्या कहना है आपका? विकास वो यही है कि थोड़ा सफाई अफाई अच्छी हो जाती है, बाकी कभी ज़रूरत पड़ती है तो बुलाना पड़ता है तो आ भी जाते हैं। बाकी ये है कि थोड़ा और ध्यान रखेंगे तो और अच्छा हो जाएगा उनके लिए। विधायक कौन है आपके क्षेत्र में? विधायक हैं महेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी से ही हैं। वैसे ठीक ठाक ही है लगभग, आम आदमी पार्टी में जो चल रहा है आजकल अच्छा ही है। लाइट भी फ्री दे रखी है, बिजली भी फ्री दे रखी है, अपने पानी भी फ्री दे रखा है, बाकी जरूरत पे काम आने वाली चीज है, अगर आ जाए तो अच्छा है। आपका शुभ नाम? मोबिन। आपके महेंद्र यादव। अच्छा, अशोक सैनी जी। क्या है साफ सफाई, काफी चीज का विकास किया है वैसे, साफ सफाई वैसे और भी कई चीजें ऐसी कि बहुत अच्छा काम किया अशोक सैनी जी ने देखा जाए तो। महेंद्र यादव जी। हाँ जी, उनका विकास अच्छा है, रहन सहन भी अच्छा है, बाकी और चीज़ें भी ऐसी हैं कि महेंद्र यादव जी हम लोगों के साथ हमेशा 24 घंटे एनी टाइम सेवा में रहते हैं। हाँ जी, पार्षद और विधायक। हाँ जी, अच्छे काम कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन।
हाँ जी, कौन है आपको क्षेत्र का? कौन है? परवेश वर्मा। कभी क्षेत्र में दौरा किया है? हाँ जी किया है, आते हैं। अपनी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 21 एस हस्ताल गाँव में है हम इस समय। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, जो वोटर जो वोट देते हैं उनसे जानते हैं उनके क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपको सुनना। बलवान सिंह। बलवान सिंह। हाँ जी। आपके पार्षद कौन है? हमारे पार्षद जो है महेंद्र सिंह यादव। महेंद्र सिंह यादव। हाँ, विधायक हैं। पार्षद अशोक सैनी। हाँ हाँ। उन्होंने क्या क्या विकास किया क्षेत्र के अंदर? बहुत उसने कुछ नहीं करा हमारे। उन्होंने ये आज तक नाला नहीं साफ हो पाया गांव के बारे में, ऐसा कुछ नहीं करा उन्होंने। कोई विकास नहीं, ना इधर पूछने आया कभी, ना और गांव का होते हुए भी पास में घर है, कभी आज तक मतलब वो नहीं आया कभी क्या दिक्कत है क्या परेशानी है। विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? विधायक महेंद्र सिंह यादव। उनके विकास के बारे क्या करना चाहेंगे? वो ठीक है, वैसे फिर भी वो काम करवा देते हैं, कहने के बाद जो जाते हैं तो करवा देते हैं। हाँ। और सांसद कौन है? सांसद तो वो है ना प्रवेश वर्मा। क्षेत्र में दौरा किया आपने? वो आए हैं, एक दो बार ही आए हैं, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं होता। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 21 एस अस्ताल गाँव में है हम इस समय, त्यागी चौपाल हाउस के सामने है। हाँ जी। ये जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो वोटर हैं, जो वोट देते हैं सरकार को, उन्हीं से जानते हैं उन्हीं के क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका शुभ नाम? एनसी यादव के नाम से। एनसी यादव। हाँ जी। यादव जी आपके क्षेत्र वार्ड का जो है निगम पार्षद कौन है? अशोक सैनी। अशोक सैनी जी जो आम आदमी पार्टी से हैं। हाँ जी। उनके विकास कार्य में क्या बोलना चाहेंगे, क्या क्या उन्होंने विकास किया? देखो जी, गाँव में सभी परेशान हैं कि गांव का विकास बिल्कुल नहीं हुआ है और गलियों की सफाई बिल्कुल नहीं हुई है। लोग बहुत परेशान हैं, पानी भर जाता है, गंद आती है गलियों में से, और तोड़फोड़ जितनी होती है उसके साथ रिपेयर नहीं होती है, और वो रिपेयर सालों पड़ी रहती है। लोग बाग टू व्हीलर से चलाना तो वो बहुत मुश्किल काम समझते हैं, और टू व्हीलर पर जाना भी छोड़ दिया कई लोगों ने कि उनकी पेट दर्द हो गया, रीढ़ की हड्डी, मतलब रोड पे गड्ढे बहुत हो रखे हैं। हाँ, बहुत गड्ढे हो रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। हाँ, और जैसी हम आशा करते थे वो हम जो आशा रखते थे वो काम हो नहीं रहे हैं बिल्कुल। विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? और सबसे पहले बुरा काम ये हुआ है कि जो एक आध बार जो सड़क बनाने की कोशिश करी है गाँव के अंदर, वो इतना लेबर ऊंचा उठा दिया कि ज़्यादातर गांव नीचे जो मकान थे वो दब गए हैं। बेचारे गरीब अपना फिर तोड़ करके कैसे बनाएंगे, इसे मेन समस्या है। जबकि पहले हमने चेतावनी दी थी कि सड़क का लेवल वही रखना, ये कानून की बात है, नियम की बात है बॉम्बे एक्ट के अनुसार, लेकिन उन्होंने ये बात मानी नहीं और आराम धराम पर। फिर दूसरी बात यह है कि सीमेंटेड बनवाई है, सीमेंटेड सड़क से इतना नुकसान है कि इतनी डस्ट जो आती है इतनी बारीक होती है कि वो नाकों में चढ़ जाती है, और उससे सांस लेना भी दूभर हो रहा है। ज़्यादातर जो बूढ़े आदमी हैं वो तो बिल्कुल ही मरने पर बैठे हैं, निकलना मुश्किल हो जाता है। जी हाँ जी। विधायक कौन है आपके क्षेत्र का? विधायक श्री महेंद्र यादव जी हैं। उनके बारे में क्या जानना चाहेंगे? उनके बारे में यही है, यही बात है उनके बारे में भी जो बताई है अभी, कि भाई गांव का जो इतना विकास करना चाहिए गांव के होते हुए, उन्होंने गांव के लिए नहीं सोचा है। बाहर का मुझे नहीं पता क्या विकास कराया होगा, लेकिन गांव में जब ये उन्होंने सड़क बनवाई थी तब उनसे भी बोला था भाई जो रोड का लेवल है वो वही रहे, यहाँ से मलबा उठाओ बाहर फेंको और सड़क का लेवल वही रखो ताकि मकान नीचे ना पड़े, और गलियों की सफाई नालियों की सफाई उसकी तरफ बहुत कम ध्यान है। और जिसने भी कहा मेरे यहाँ ऊंचा कर दो तो ऊंचा कर दिया, आगे फिर नीचा हो गया, अगले ने फिर कहा मेरे यहाँ ऊंचा कर दो तो फिर ऊंचा कर दिया, फिर ये बहुत गलत काम हुआ है। ये सांसद कौन है आपके क्षेत्र का? सांसद परवेश वर्मा जी हैं। कभी क्षेत्र में दौरा किया है? कभी देखा ही नहीं है उनको यहाँ। हाँ जी। देखो जी, उसके बारे में हमने कोई यहाँ आते कोई काम कराते तब तो हम बताते कुछ, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बाहर, हाँ बाहर जो कुछ कराया होगा मुझे नहीं पता इस बात में। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 21 एस
हस्तसाल गांव चौपाल के पास हम इस समय आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं जो वोट देते हैं उनसे जानते हैं उनके क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका सुनना। मेरा नाम सुभाष त्यागी है और मैं विवेक त्यागी का पिता हूँ जो पूर्व पार्षद है बीजेपी से, इसलिए मैं किसी पार्टी के विषय में बात नहीं करूँगा क्योंकि वो एक पार्टी के विषय में ही जाना जाएगा। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, सामने हमारे चौपाल को दिखाइए आप। जी सर जी, ये हमने निजी पैसे से इसका डेकोरेशन किया है सारा नया जो भी है। जी जी, इसके लिए हमने कई बार उनसे कोशिश की कि आप इस पे जो है पैसा लगा के, विधायक से भी कहा, एमपी से भी कहा, किसी ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये तो सेल्फ जो है हम जो इंटरेस्ट होगा तभी होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे। ये जो है जो जिन्होंने काम करना चाहिए वो कोई भी काम अपना निजी तौर पे जो है अपने जो अपनी ड्यूटी है उनको नहीं करता है। विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र वार्ड नंबर 21 है, ये हस्ताल गांव में है, हम इस समय चौपाल के पास हैं। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो वोटर हैं वोट देते हैं उनसे जानते हैं उनके क्षेत्र के विकास के बारे में। सर आपका सुनना। मेरा नाम रोहतास सिंह यादव है। रोहतास सिंह यादव जी, रोहतास जी आपके क्षेत्र में पार्षद कौन है? हमारे क्षेत्र का पार्षद है अशोक सैनी जी। जी, इनके विकास के बारे में क्या कह रहे हैं आप? विकास के बारे में इतना अच्छा उनका वो न रहा, टाइम पीरियड नहीं रहा, क्योंकि जो विकास होना चाहिए था उस स्तर पे विकास हो नहीं पाया, क्योंकि ज़्यादातर वो, जहाँ तक मेरा अपना विचार है, उनका जो ध्यान ज़्यादातर कॉलोनी की तरफ रहता, गांव की तरफ ध्यान उनका नहीं रहा बिल्कुल भी, क्योंकि वो उन्हीं को ही वोट बैंक समझते हैं। गांव की तरफ, गांव में इतना विकास उन्होंने नहीं किया है। हमारे विधायक हैं महेंद्र यादव जी हैं। हाँ, उनके विकास क्षेत्र में वो, उनका भी एक्चुअली देखा जाए तो सेम ही ट्रेंड रहा है। वैसे मैं ये कहूँगा कि वो एक बहुत ही ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं, इतना तो मैं कहूँगा। स्वभावशील के बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे विधायक हैं, पर गांव की तरफ रुझान जो है ना इनका भी थोड़ा कम रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मेन जो हमारा पॉइंट था गांव का जो तालाब है वहां उन्होंने कई साल से इस बात का वो किया था कि भाई इसका सौंदर्यकरण करेंगे, पार्क बनाएंगे, वो बनाएंगे, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ जो कि वहाँ उसके लिए सब कुछ होना चाहिए था, उस बारे में कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, गांव में मतलब काम तो क्या है, पानी वानी के वो समस्या थी वो हल कर दी गई है, पर ज़्यादातर रुझान इनका कॉलोनी की तरफ रहता है, और गांव का जो मेन पॉइंट था जो गांव के तालाब का था, तालाब के बारे में इन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया। हाँ, सांसद कौन है आपके क्षेत्र का? सांसद हैं हमारे ये परवेश वर्मा जी हैं सांसद। कभी नहीं देखा उनको, अभी आज तक तो हमने देखा नहीं है। कई साल हुए जब एक बार त्यागी चौपाल में आए थे, उनको ज्ञापन दिया था हमने, जो कई एक मुद्दे थे हमारे, उसमें से एक मुद्दा खैर उन्होंने कुछ एक कल में जो हमारा काली बस्ती के वहाँ का रोड था वो तो प्रधान जी ने जो दिया था उनको ज्ञापन वो तो उन्होंने किया है, बाकी और कई मुद्दे थे हमारे जो मेन मुद्दे, बाकी जहाँ तक उनका यहाँ के वो क्षेत्र का आने के बारे में या कभी विजिट के बारे में ऐसा कभी देखा नहीं उनको। उनके बारे में तो हम ऐसा कोई खास नहीं, क्योंकि जब उनका आना जाना नहीं, कोई वो नहीं, तो उनसे कोई खास लगाव है नहीं।